किसी के अंतिम संस्कार के लिए अब पेड़ों की लकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, गाय के गोबर से बनी लकड़ी का ही उपयोग हो सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि गाय के गोबर से बनी लकड़ी को अगर जलाया जाए तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बल्कि ऑक्सीजन निकलती है। गोबर से बनी यह लकड़ी तिलवारा घाट के समीप स्थित दयोदय द्वारा तैयार की गई है। गाय के गोबर, मूत्र और दूध से 330 उत्पादों का निर्माण किया जा रहा है। दयोदय द्वारा अभी 17 उत्पादों का निर्माण शुरू किया गया है, जिसमें अगरबत्ती और हवन सामग्री भी शामिल है। यहाँ बन रही लकड़ी का उपयोग होलिका दहन के लिए भी किया जा सकता है। इसका मेन यूज जो है पर्यावरण बचाने के साथ साथ जो है शमशान घाट में जो अपना अंतिम दाह होता है और पेड़ों की लकड़ी, पेड़ों से जो लकड़ियाँ कटती हैं, इसको बचाने का उद्देश्य है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की प्रेरणा से और आशीर्वाद से इस काम की शुरुआत हुई है और इसकी शुरुआत तो आज से 2 दिन पहले हो चुकी है। रानीताल शमशान घाट में एक दादा गुलाबचंद जैन जी का शव के बाद में कल डॉक्टर NC जैन और आज मोक्ष धाम वालों ने इसकी शुरुआत कर दी है और हमारा प्रयास है कि यह जो बिगुल जो दयोदय गौशाला ने बजाया हुआ है यह पूरे देश में, प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए और पर्यावरण को भी सुरक्षित कर ले। होली का पर्व जो आ रहा है उसमें होली का दहन में भी कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण बचेगा, लकड़ी की सुरक्षित होगी, लकड़ी नहीं कटेगी जंगलों से और ये गोबर से ऑक्सीजन निकलेगा। अगर इसमें एक बूंद घी डाल देते हैं तो 1000 टन ऑक्सीजन बनता है, वो भी पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा है, लाभकारी है। इसमें वास्तु निवारण भी है क्योंकि गोबर को वास्तु निवारण कहा गया है, तो ये वास्तु निवारण का भी कार्य करता है। इसमें हम लोग अगरबत्ती भी बना रहे हैं।